फर्जी दस्तावेजों की मदद से परिषदीय विद्यालयों में नौकरी करने वाले 3 फर्जी शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है, जिसके संबंध में बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि 3 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज के सहारे नौकरी करने की शिकायत मिली थी। जांच में आरोप सही मिलने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इन पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही वेतन रिकवरी की कार्रवाई भी होगी। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि ब्रह्मपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय भगने में तैनात सहायक अध्यापक संतोष कुमार की नियुक्ति वर्ष 2010 में हुई थी। हाई स्कूल के अंकपत्र व प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए संबंधित विद्यालय भेजा गया। विद्यालय ने टीसी में शिक्षक की जाति में गुप्ता का उल्लेख किया, जबकि उन्होंने अनुसूचित जाति के कोटे से नौकरी पाई थी। ऐसे ही मानव संपदा पोर्टल से कैंपियरगंज के प्राथमिक विद्यालय खरौली के प्रधानाध्यापक शिवबचन सिंह के अभिलेखों में गड़बड़ी की जानकारी हुई। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच दी। जांच में आरोपी शिक्षक ने बलिया जिले के प्राथमिक विद्यालय खिरौली के प्रधानाध्यापक शिवबचन सिंह के अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति हासिल की थी, जिसके बाद विभाग ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। वहीं जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय जलार की प्रधानाध्यापिका वंदना पांडे के बारे में फर्जी अभिलेखों के सहारा नौकरी हासिल करने की शिकायत एसटीएफ से हुई थी। एसटीएफ की फील्ड यूनिट ने शिक्षिका की पत्रावली तलब की थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षिका की पत्रावली की जांच शुरू की तो पाया गया कि आरोपी शिक्षिका ने इसी नाम के फैजाबाद जिले में तैनात एक शिक्षिका के अभिलेखों के सहारे नौकरी प्राप्त की थी। तीनों के खिलाफ विभाग को शिकायत मिली थी, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेन्द्र नारायण सिंह ने कहा, दरअसल उसमें 3 अध्यापक हैं, जिसमें एक संतोष कुमार है, दूसरा शिवबचन है, तीसरे वंदना पांडे हैं। तो संतोष कुमार जात से ओबीसी हैं, गुप्ता जात के हैं, लेकिन उन्होंने अपनी नियुक्ति प्राप्त की एससी का दूसरे सर्टिफिकेट से एससी लगा करके। जब जांच किया गया तो जांच में पाया गया कि इनकी मूल जात ही दूसरी है, जिसके आधार पर सत्यापनों उपरांत एसडीएम से रिपोर्ट लेकर के इनकी सेवा समाप्त की गई। दूसरे हैं शिवबचन सिंह। शिवबचन सिंह बलिया में एक शिवबचन सिंह के सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे हैं और बलिया में भी शिवबचन सिंह काम कर रहे हैं। तो जब मानव संपदा से पैन वगैरह का मिलान किया गया लखनऊ में, तो ये पकड़ में आया कि इस नाम से तो बलिया और गोरखपुर में 2 लोगों में वहाँ से शिकायत आई। जांच किया गया तो जाँचोपरांत यह पाया गया कि यह फेक सर्टिफिकेट है और तभी से लापता हो गए जुलाई में ही। और तीसरी है वंदना पांडे। वंदना पांडे मूल सिद्धार्थनगर से थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर के जलार हमारे जंगल कौड़िया ब्लॉक में है, वहाँ आकर के नौकरी कर रही थी। लेकिन एसआईटी को कहीं से रिपोर्ट मिली और शिकायत भी आई तो जांच कराया गया, तो वास्तविक जो वंदना पांडे हैं वो फैजाबाद की रहने वाली हैं, वो संभवतः बेरोजगार भी हैं। उनके सर्टिफिकेट से ये वंदना पांडे गौड़ी राम में नौकरी कर रही थी, जंगल कोड़िया में कर रही थी। मूल इनकी नियुक्ति हुई थी सिद्धार्थनगर। सत्यापन उपरांत इनके भी सर्टिफिकेट सब गलत पाए गए, दूसरे के पाए गए, इस आधार पर इन तीनों लोगों की सेवाएं समाप्त की गई हैं। और कुछ और भी लोग हैं जिसकी जांच चल रही है, जाँच उपरांत ही उनकी कार्रवाई कि इनके खिलाफ FIR होगा। जितना वेतन पाया है उसको उसकी रिकवरी होगी, चूँकि सारे प्रोसेस यही हैं कि उनसे जितने भी लिए गए लोगों से सब रिकवरी ली जाएगी। तहसील के माध्यम से जो सरकारी राजस्व वसूली होती है उस तरह से इनकी राजस्व वसूली होगी। FIR की प्रक्रिया होगी।